जय श्री श्याम मित्रों, स्वागत है एस्ट्रो आश्रम में। बुद्ध देव अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और 25 जुलाई को ये राशि परिवर्तन होगा और बुद्ध देव अब कर्क राशि से मूव करने वाले हैं, राशि परिवर्तन अपना करने वाले हैं और पहुंचेंगे सिंह राशि में। बुद्ध देव का यह राशि परिवर्तन किन किन राशियों के लिए लाभकारी होगा, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। बुद्ध देव अभी कर्क राशि में इस समय उपस्थित हैं और 25 जुलाई 2023 को इनका परिवर्तन होने वाला है और यह पहुंच जाएंगे अपने मित्र राशि यानी कि सूर्य की राशि में, सिंह राशि में, और यह रहेंगे 1 अक्टूबर 2023 तक। तो 25 जुलाई से लेकर 1 अक्टूबर 2023 तक जब बुध रहेंगे सूर्य की राशि सिंह राशि में, तो किन किन राशियों को होने वाला है लाभ, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनको अद्भुत लाभ होंगे, जिनको बंपर लाभ कह सकते होंगे, जिनको धन की दृष्टि से लाभ होंगे, या जिनके जो काम बहुत समय से अटके हुए थे तो बुध की वजह से काम होंगे। खास तौर पर ऐसे लोग जिनका काम संबंधों से है, जैसे मार्केटिंग के लोग होते हैं या नेटवर्किंग के लोग होते हैं, उनको बहुत अद्भुत लाभ होने वाले हैं, या ऐसे लोग जो सेल्स से संबंधित होते हैं, ऐसे लोगों को भी बहुत अद्भुत लाभ इस समय में होने वाले हैं, जो समय ये अभी आने वाला है, यानी कि पूरा अगस्त और पूरा सितंबर का महीना अगर आप देखेंगे, ये दो महीने अद्भुत लाभ आपके जीवन में होते हुए दिखेंगे। अगर हम इसको दूसरी दृष्टि से देखें कि जब भी बुध का राशि परिवर्तन होता है तो आपको मानसिक तनाव से भी मुक्ति मिलती है। कुछ मेरे ऐसे मित्र भी होंगे, वो किसी भी राशि से संबंध रख सकते हैं, जिनको मानसिक तनाव था या चिड़चिड़ापन था बहुत समय से, तो वो भी अब दूर होने वाला है क्योंकि बुध का परिवर्तन बहुत अद्भुत लाभ दिखाने वाला है। वीडियो हमारा आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके आप हमें राधे राधे लिखें, आप हमें लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बुध देव के राशि परिवर्तन की। बुध देव को प्रिंस कहा गया है, राजकुमार कहा गया है सभी ग्रहों का, और इनका प्रभाव बुद्धि पर भी आता है, इनका प्रभाव वाक्पटुता पर भी आता है, और इनका प्रभाव बिल्कुल सटीकता यानी एक्यूरेसी पर भी आता है। जब भी किसी व्यक्ति का बुध खराब होता है तो इनसे संबंधित समस्याएं उसके जीवन में होती हैं, और सबसे बड़ी समस्या उसके जीवन में पॉजिटिविटी और कह सकते हैं संबंधों की समस्या आने लगती है। कर्क राशि से सिंह राशि में 25 जुलाई 2023 को जब परिवर्तन होगा बुध देव का, यानी कि राशि में वो आगे बढ़ेंगे, तो किन किन राशियों को लाभ होगा ये मैं बात करने वाला हूं। इस वीडियो में आप देखेंगे तो जिन राशियों की मैं बात करने वाला हूं, इन राशियों को अद्भुत लाभ होंगे, अद्भुत, जो देखने योग्य जो दो महीने रहेंगे, यानी 1 अक्टूबर तक का जो समय होगा, 25 जुलाई से लेकर 1 अक्टूबर तक का, ये बहुत अद्भुत समय इन लोगों के लिए रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले जितने भी जातक हैं, इन लोगों को धन की दृष्टि से बहुत अद्भुत लाभ होते हुए देखेंगे आप। दूसरा, दाम्पत्य जीवन या प्रेम प्रसंग या प्रेम से संबंधित जितनी चीजें हैं उनमें इनको अद्भुत लाभ होते देखेंगे। अटका हुआ धन भी इसी समय के बीच में निकलने की सबसे ज्यादा प्रबल संभावनाएं आपके पास हैं, या कह सकते हैं अचानक से धन लाभ भी आपको इन दो महीनों के बीच में होने वाला है, जितने भी वृषभ राशि के लोग हैं। अगला लाभ जो मिलेगा वो मिलेगा खुद बुध की राशि मिथुन राशि को, और मिथुन राशि की जब हम बात करेंगे तो यहां पर संबंधों का लाभ मिलने लगेगा, यहां पर विवाह की स्थितियां नहीं बन रही होंगी तो एक दूसरे को, लड़के को लड़की और लड़की को लड़के, यानी कि हम ढूंढ रहे हैं लेकिन नहीं व्यवस्था बन पा रही है, कहीं कुंडली मैच नहीं हो रही है, लेकिन यहां पर चीजें पॉजिटिव होती हुई दिखेंगी, यानी कि संबंध बनने की स्थितियां आने लगेगी। दूसरा, यदि आपके मित्र बहुत समय से आपसे रुष्ट थे या उनसे संबंध आपके किसी कारण से खराब हुए थे तो वो संबंध भी अब अच्छे होते हुए दिखेंगे। आपकी पड़ोसी से बहुत कलह चल रही थी तो भी आप समझिए उससे आपकी सुलह होने वाली है, यानी कि यह जो समय रहेगा बुध राशि वालों के लिए मानसिक रूप से बहुत पॉजिटिव होने वाला है, बहुत लाभकारी होने वाला है। अगली राशि की जब हम बात करेंगे वो राशि होगी सिंह राशि, जिसमें परिवर्तन बुध देव का हो रहा है। सिंह राशि वाले जितने भी जातक हैं, इनको प्रशासनिक पद पर चयन आप कह सकते हैं हो सकता है, इनको कह सकते हैं कोई नई जिम्मेदारी इस बीच में मिल सकती है, इनका प्रमोशन हो सकता है जितने भी सिंह राशि वाले हैं, या कोई नया व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। यदि संतान की समस्या थी सिंह राशि वाले जितने जातक हैं,
उनको इस समय पर संतान कष्ट से मुक्ति होते हुए आप देखेंगे, यानी कि सिंह राशि में जब ये बुधदेव आएंगे तो उसको बहुत अच्छे लाभ देते हुए यहां पर देखे जा रहे हैं। अगली राशि जिसको लाभ होने वाला है वो है कन्या राशि। कन्या राशि भी बुध की ही राशि है और बुध की राशि की जब हम बात करते हैं तो कन्या राशि वालों को धन लाभ होते हुए देखेंगे, खास तौर पर ऐसे लोग जो नौकरी की समस्या से पीड़ित चल रहे हैं, यानी कि बहुत समय से नौकरी ढूंढ रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है या मिली तो तुरंत छूट गई, कोई फायदा उनको नहीं हुआ, तो नौकरी की समस्या यहां पर खत्म होने वाली है, समाप्त होने वाली है, या कह सकते हैं कि आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप नौकरी में पहले से थे तो आपको मिलने वाली है। अगली राशि जिसको लाभ मिलने वाला है वो राशि है अगेन शुक्र की राशि, जिसको कहते हैं तुला राशि। तो तुला राशि की जब हम बात करेंगे तो यहां पर भी तुला राशि वालों को एक तो धन की दृष्टि से लाभ होने वाले हैं, एक पैतृक प्रॉपर्टी की दृष्टि से लाभ होने वाले हैं, एक कह सकते हैं कि आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट इस बीच में कर सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट की बात जब हम करें तो वो नगद में भी हो सकता है, वो बतौर प्रॉपर्टी हो सकता है, वो बतौर पार्टनरशिप हो सकता है, यानी कि इन दो महीनों के बीच में आपका कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट हो सकता है और वो आपको आने वाले जीवन में बहुत लाभ देते हुए देखा जाएगा। ये थी वो राशियां जो बुध देव के सूर्य की राशि में यानी सिंह राशि में परिवर्तन करने से लाभ देते हुए दिख रही हैं। वीडियो हमारा आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके आप हमें राधे राधे लिखें, आप हमें लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।